नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन फ्यूचर पे। दोस्तों 29 जुलाई 2018 को एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसके बायोलॉजी सब्जेक्ट के जूलॉजी सेक्शन के आंसर की हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कई ऑथेंटिक सोर्सेस से ढूंढा गया है तब इसको बनाया गया है दोस्तों। इसमें एक या दो क्वेश्चन को ही छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों के आपके उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट जो भी हो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है इसका, यानी कि 31 प्रश्न, ये डी सीरीज की आपको यहाँ पर जो है आंसर की प्रोवाइड कराया जाएगा। डी सीरीज का पेपर है। तो इसका पहला प्रश्न है कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो कार्डियोलिपिन जो होता है वो नहीं होता है, यानी 31 का आंसर होगा बी। 32 है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो कुल जो होते हैं लिंग गुणसूत्र तो मनुष्य के शुक्राणु में वो एक होते हैं, जिसे हम XX या XY कहते हैं, तो ये एक गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो JB लैमार्क थे, यानी 33 का आंसर बी है। 34वां प्रश्न, यदि दो प्रभावी तथा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं, तो इस स्थिति को युग्मन अथवा सिस फेज कहते हैं, यानी कि कपलिंग और सिस फेज, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मेंडेलेव ने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो वो गार्डन पी, यानी कि जो मटर के दाने पे प्रयोग किए थे उन्होंने, तो वो गार्डन पी था। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। 36वां प्रश्न, शुक्ति क्लैम शंभु सभी सदस्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिला है दोस्तों। तो इसको अगर आपको पता होगा तो इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीमकों को की आहार नाल में पाया जाने वाला प्राणी कशाभी होते हैं, वो सजीवी होते हैं, यानी कि सिम्बियोन्स, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 38वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न हमें आंसर जो है इसको नहीं मिला है, तो इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, साइकॉन में निषेचन होता है तो स्पंज गुहा के अंदर होता है, यानी कि इंटरनली इन द स्पंज सेल, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी है? तो सेक्यूलाइना जो होता है वो परजीवी होता है, इसका बी ऑप्शन सही है, 40 का बी। 41 की बात करें तो 41 में आपको मिलान करना था, ये इधर आपको डिजीज़ दी हुई थी और इधर जो है उसके वायरस दिए होते, तो यहाँ पे किससे फैलता है ये दिया हुआ था, इसका बी ऑप्शन सही है, इसको मिला लीजिएगा। डेंगू बुखार आपका एडीज एजिप्टी से हो जाएगा, हाथी फाक्यूलेक्स फैटीगन से हो जाएगा, तो ऐसे आप मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है मसूड़ों को क्षति पहुँचाता है? तो ये एंटमीबा जिन्सवेलिस होता है, इसका ए ऑप्शन सही है, जिससे पायरिया वगैरह रोग होते हैं। 43वां प्रश्न है दोस्तों, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है समानता निम्न में से किसमें पाई जाती है? वो प्रोटोजोआ में पाई जाती है, 43 का ए ऑप्शन सही है। 44वां, पैरामीसियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड, ए ऑप्शन यहाँ पर 44 का ए ऑप्शन सही है। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? तो एस्केरिस जो होता है वो मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं, तो यहाँ पर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एस्टेरियसिस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है या मेट्रीपोराइड एवं रिंग कैनाल को जोड़ती है, 46 का ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुकास्थी का है? तो बिना चिबुकास्थी का क्या है? मस्का, जो मस्का डोमेस्टिका होता है वो है, यानी कि 47 का ए ऑप्शन सही है। मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं, उपयुक्त सभी नेत्र पैर सिर के अंश तीनों जो है पुनर्जनित कर सकते हैं, यानी कि रिजनरेट कर सकते हैं, डी ऑप्शन 48 का डी ऑप्शन सही है। 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे खटमल जो है गोनोरिया, तो ये भी शायद हमें कुछ इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो इसको भी दोस्तों अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। 50वां प्रश्न है, ल्यूकोसोलिनिया के देहभित्ति में उपस्थित मुख्य आकार की कोशिकाएँ होती हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, पाइनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स, 50 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, साइकॉन का पोला ब्लास्टुला है, तो साइकॉन का पोला ब्लास्टुला है, तो इसको भी आप कमेंट में बताइएगा, ये भी हमें अभी नहीं मिला हुआ है आंसर। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, लोवा लोवा द्वारा संचरित संक्रमण संवाहक होता है, तो ये क्राइस्पॉस
प्रजाति द्वारा होता है, यानी कि 52वां का ए ऑप्शन सही है। 53वां प्रश्न है कि पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती तो अग्र रिक्तिका से मंदतर, यानी कि 53 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 54 की कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है, तो कौन मध्यपट को रक्त प्रदान करती है, वो मध्य छद यानी कि जो फेरेनिक होती है वो प्रदान करती है रक्त, यानी ए ऑप्शन 54 का सही हो गया। लाइसोजाइम में पाया जाता है, लाइसोजाइम किसमें किसमें पाया जाता है, आंसू में, पसीने में, लार में, तीनों में पाया जाता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 56वां की गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है तो वो एच सी जी जो है गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। आर्क्योटेरिस का जीवाश्म किसने खोजा था, तो एंड्रियास वैगनर ने खोजा था, ये ऑप्शन सही है, एंड्रियास वैगनर ने आर्क्योटेरिस का जीवाश्म खोजा था, 57 का ए ऑप्शन सही है। 58 विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है, तो वो रेटिनिन, तो इसका बी ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभव उद्दीपन होता है, तो इन ये सीरोटोनिन के द्वारा होगा, इसका सही जवाब जो है सीरोटोनिन के द्वारा। 60वां प्रश्न है जनद नाशन कोशिकाएं पाई जाती है या अग्र पीयूष में पाई जाती हैं, 60 का ए ऑप्शन सही है। स्तनी में अंतः क्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी, वह थायराइड में एकत्रित होती हैं, इसका सही जवाब है 61 का डी ऑप्शन। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है, तो कैल्शियम पंप है, यानी 62 का सी ऑप्शन है, कैल्शियम डबल प्लस। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अल्फा बीटा उप इकाई का नहीं बना होता है, तो प्रोलैक्टिन जो होता है नहीं बना होता है, 63 का डी ऑप्शन सही है। रेनिन का श्रावण होता है, वो होता है गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा, तो 64वां का डी ऑप्शन सही है। 65वां का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं, डाई पेप्टाइड जो है दो पेप्टाइड बांध नहीं होता, वो सिंगल पेप्टाइड बांध होता है, तो 65 का जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम 66वां प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य के खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है, तो ओजोन होता है, O3 जिसे कहते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी 66 का बी ऑप्शन सही है। 67वां का है वहन क्षमता क्या है, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, यानी 67 का बी ऑप्शन सही है, वहन क्षमता ये होती है। 68 जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से अंततः स्थायी हो जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा, तो ऐसा कार्य होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही, 68 का बी। 69 क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल निम्न से किससे क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन में टूटता है, पराबैंगनी कीड़ों की सक्रियता से टूटता है, 69 का बी ऑप्शन सही है। 70 अंतर्वलन का क्षेत्र है, अंतर्वलन का जो क्षेत्र होता है उत्तर काल की अंतःकला प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म, यानी कि 70 का सी ऑप्शन सही है। मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, कंठ छद यानी एपिग्लॉटिस जो है अवशेषी अंग नहीं होता है, तो 71 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 है वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं प्लीहा और यकृत द्वारा नष्ट किए जाते हैं, 72 का ए ऑप्शन सही हो गया। मेढक के भ्रूण विकास के में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का, तो वो गुदा बनाता है, यानी एनस, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है, तो ये दोस्तों हमें आंसर नहीं मिला, इसको आप कमेंट में बताइएगा, 74 का। 75वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण की को शुष्कता से बचाती है, तो उल्ब यानी कि एमनियोन, ए ऑप्शन सही है 75 का। 76 है कैरेटीन निम्नलिखित में से किसके अधिचर में नहीं पाई जाती है, तो मीन में नहीं पाई जाती, यानी फिश में, 76 का ए ऑप्शन सही है। रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है, यह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है, 77 का ए ऑप्शन सही है। 78 पे प्रश्न आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें केवल दो सही है, सही पूछा है, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही है। कंचुक डार्टास स्थित है या वृषण में, टेस्टिस में स्थित होता है, 79 का ए ऑप्शन सही है। 80 वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, वह शशक में अनुपस्थित होता है, यानी कि रैबिट में, तो इसका बी ऑप्शन, यानी कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं, 81 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो ये इपिग्लॉटिस है, इपिग्लॉटिस जो है अवशेषी अंग नहीं है, जबकि ये तीनों जो है आपके अवशेषी अंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 83वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है, तो क्रोमैग्नॉन जो है निकट संबंधी मनुष्य का, तो इसका सी ऑप्शन सही है, 83 का सी। 84 की अगर बात करें तो उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि ये नई विभिन्नताएं पैदा करता है, तो 84 का जो है सही जवाब है बी। 85वां प्रश्न है कि अंडा देने वाली स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था, ट्रायसिक कल्प में हुआ था,
अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव जो है ट्रायसिक कल्प में हुआ था, यानी 85 का सही राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 86 है सूत्र युग्मक जाति के उद्भव का कारण है बहुगुणन यानी कि पॉलीकोलाइडी, यानी कि 86 का ए ऑप्शन सही है। 87 के मिथ्या देहगुहा यानी सीडोसुलोम वह अवस्था है जब देहगुहा मध्य जन स्तर से आच्छादित नहीं होती है, यानी 87 का सी ऑप्शन सही है। 88 अनुरूप रंग विकसित होने का कारण है अभिसारी विकास, 88 का ए ऑप्शन सही है। 89 क्वेश्चन है कि सुकेंद्रकी कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है प्रोटीन सूत्रों द्वारा, यह निर्मित होता है, तो इसका सही है 89 का सही आंसर है ए ऑप्शन। 90 निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो एम्फीबियन से पाए जाते हैं यानी उभयचर में, 90 का ए ऑप्शन सही है। तो ये तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो है जूलॉजी के थे, इसके पूरे कई ऑथेंटिक सोर्सेस से ढूंढे गए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर 2-3 क्वेश्चन जो है हमें दिखे हैं जो इसमें नहीं मिले हैं आंसर, तो उसको आप जो है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।